महर्षि दधीच की भूमि है। तमाम सरकारें हैं, तमाम सरकारों ने इस जिस तरह आप वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, किए, लेकिन ये भी अभी भी ये पिछड़ा हुआ है। जनता आप पर विश्वास कैसे करें? ऐसा है, देखिए, हम नैमिष में एक दो बार और तो पहले आए, लेकिन मुझे इतना कुछ नैमिष में नहीं पता, बस इतना पता था कि महर ऋषि पुण्य धरती है और महर्षि जी ने स्वयं अपनी हड्डियों का यहाँ पर जब करके राक्षसों का संहार करने के लिए भूल जाते हैं, दोबारा लौट के नहीं आते हैं, क्या दोबारा ऐसा नहीं होगा? हम बिजौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक और मंत्री रह चुके हैं, वो भी इस लोकसभा क्षेत्र का एक विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। तो जैसे कि वहाँ जीतने के बाद हम हमेशा जनता के बीच में रहें, हर शनिवार इतवार हम लोग हमेशा जनता दरबार लगाते रहे, अधिकारियों को साथ में लेकर के बैठ के मैंने एक एक व्यक्ति का सत्ता जनता का निस्तारण करने करवाया, मैंने बहुत विकास कराया। जिस तरह से अगर मुझे यहाँ पर जनता जिताती है तो मैं यहाँ भी उसी तरह से आऊँगी और हमेशा जनता के बीच में रहूँगी और उनके दुख सुख में हमेशा सामने रहूँगी, जो संभव मदद हो सकेगी हम इस मंदिर के लिए। ये तो बहुत बड़ा पुण्य है। मैंने आपसे जानना चाहेंगे, अगर आपकी पार्टी चुनाव जीतती तो आप किसको समर्थन लोग शेखुला कर रहे हैं? हम लोग खुद इतनी बड़ी पार्टी बन के उभरे हैं और हमारी पार्टी हर सीट पे लड़ रही है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकाल करके लाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो प्रधानमंत्री कौन है? अब ये तो जनता तय करेगी ना कि प्रधानमंत्री कौन होगा, और समय तय करेगा कि प्रधानमंत्री। देखिए, इस समय जनता ही प्रधानमंत्री है, ठीक है, जनता से बढ़ के कोई प्रधानमंत्री नहीं, इसलिए जनता ही इस बार तय करेगी कि प्रधानमंत्री कौन है। और जनता हमारे साथ, हर धर्म हर वर्ग के लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, जिस तरह से आज जनता हमारे साथ जुड़ करके हमारे साथ में, उसी तरह से कि हमारी जो पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, हमारे लोहिया जी के जो भी विचार हैं, हम उन्हीं विचारों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के काम में उनके साथ में सुख में शामिल होकर के उनके वादों पे खरा उतर। मैडम, लोकसभा मिश्रित क्षेत्र में आप दौरा किए हैं, जनता के बीच में आप गई हैं, रूबरू हुई हैं, आखिर बीजेपी सरकार में 5 साल में क्या काम हुए जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए और जो जनता आज भी तराई तराई विकास का मुझे दिखाई सड़कें अभी तक जर्जर है, तो सपोर्टें तो ऐसी है, जहाँ पर पानी बरस जाए तो गाड़ी तो दूर आदमी नहीं चलेगा चल पाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी खामियाँ हैं, जिस तरह से केंद्र सरकार की नीतियाँ आए उस तरह से मुझे तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। झूठे और लोग लुभावने वादों के अलावा यहाँ पर मुझे तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं दिखाई दे रहा। आज जनता भी उनसे बहुत त्रस्त है, इसीलिए आज मिश्रित लोकसभा क्षेत्र की पूरी जनता प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह चाबी को ही वोट देने के लिए पूरी तत्पर है। मैडम, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन दिल्ली महिलाओं को लगातार शोषण हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? इसमें तो हम यही कहेंगे कि देखिए, महिलाओं का लगातार शोषण हो रहा है और इतना महिलाएँ इस सरकार से त्रस्त हैं कि मुझे नहीं लगता कि कभी इतना महिलाएँ त्रस्त होंगी, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, वो मीडिया से बेहतर हम लोग आपको क्या बताएं, क्योंकि आप लोग लोकतंत्र का चौथा खंभा है, आपसे ज़्यादा कौन जरूर। मैडम, आप जो मंत्री भी रहे हैं, आपने ऐसा कौन सा कार्य किया है नैमिषारण्य क्षेत्र के लिए जिसके लिए जनता आपको याद करे और आपको वोट दे? देखिए, हम यहाँ पर जब इस क्षेत्र में आए तो मुझे उस समय भी हम आए थे और उससे जब हम यहाँ पर आए माँ ललिता देवी के मैंने दर्शन किए थे, तो वहाँ पर मुझसे काफ़ी लोगों से मुलाकात और काफ़ी लोगों से बात हुई थी, हम लोगों से मिलकर के माता जी के दर्शन करके चले गए थे, लोगों ने मुझसे उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन अब हम इस क्षेत्र में माँ ललिता देवी के ही आशीर्वाद से मुझको यहाँ टिकट मिला है और हम यहाँ पर आए हैं इस पवित्र धरती पर। जीतने के बाद मुझसे जो हो सकेगा माँ ललिता देवी तो उस मंदिर में हम बहुत बड़ा काम करेंगे। मीडिया के माध्यम से कोई जनता को संदेश देना चाहेंगे? हाँ, जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि भाइयों, आप लोग देख लीजिए कि आज केंद्र में झूठी सरकार बैठी हुई है। मोदी जी कहते हैं सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर ही यहाँ पर चुनाव हो रहा, काम तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ चेहरा लेकर के आप लोग क्या करेंगे? दुनिया करेंगे, अब हम एक बात बोलेंगे तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी, इसलिए हमें इस तरह की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। जनता से बस यही कहना चाहेंगे,
कि हम लोग हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चले हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विकास पुरुष हैं, उन्होंने हमेशा विकास कराया है। मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र में जाने कितने पुल, जाने कितनी सड़कें उन्होंने बनाई है, आज उन्हीं लोगों उन्हीं की सड़कों पर चल करके हम लोग प्रचार कर रहे हैं। उसी तरह से अगर मैं जीत करके आपके सामने आऊँगी तो मैं भी उसी तरह से इस क्षेत्र की जनता का विकास कराऊँगी। जिस तरह से मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह से बहुएँ अपने घर को सजाती और संवारती हैं, उसी तरह से मैं भी इस धरती को अपनी कर्म भूमि को मानते हुए इस क्षेत्र को सजाऊँगी और संवारूँगी।